राम मंदिर उद्घाटन के शुभ अवसर पर आपको मिल रहा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपका कोई भी सिम कार्ड हो, लेकिन आपको रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। तो आपको इस रिचार्ज को पाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैसेज आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम इत्यादि पर मिल रहा होगा और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये मैसेज वायरल हो रहा है, क्योंकि मुझे भी मिल चुका है एलईडी मैसेज। तो मैं बता दूँ इसके बारे में, एक क्या चीज़, क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, या सच्चाई है या फिर स्कैम है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं पूरी विस्तार से मैं बताऊंगा। अगर आप इस मैसेज के जहां से मैं आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, या फिर आपको मैसेज कहीं ना कहीं शो किया है, तो आपको इसके बारे में बखूबी जान लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैसेज होती हैं दोस्तों, बहुत ही स्कैम है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो आपको रिचार्ज यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये देखा हूँ कई बार दीपावली के अवसर पर या फिर न्यू जनवरी या फिर कोई भी ऐसा त्यौहार होता है जिसमें ये सारे लिंक एक्टिवेट किए जाते हैं, जो कि एक हैकर्स द्वारा किया जाता है। और ये सारे हैकर्स आपकी पर्सनल डिटेल को लेने के लिए ऐसा करते हैं। आप इस रिचार्ज के झांसे में आके कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने उस लिंक पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स को वहाँ पे फिल कर देते हैं, जो भी वहाँ पे मांगा जाता है। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है वो उनको तक पहुँच जाती है, जो उनको जरूरत है। ऐसे में आपको सारी डिटेल्स उनको मिलने के बाद, उसके बाद वो सारी डिटेल्स सेव हमेशा के लिए कर देते हैं और एक बड़े बड़े जो डाटा कंपनियां होती है उनको ये बेच देते हैं, या फिर उससे एक खुद का स्कैम करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने से आपको फायदा हो या ना हो, लेकिन इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाती है। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें, इससे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स उन तक पहुंच जाते हैं और आपके मोबाइल में बहुत सारे वायरस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक एप्स होते हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं, जो हिडन एप्स हैं, आपको शो नहीं करेगा लेकिन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। और आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स होते हैं, पर्सनल मैसेज होते हैं या पर्सनल फोटोज होते हैं या कुछ भी ऐसा चीज डेटा होता है, वो उन तक पहुंच जाती है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, आपके जो बैंक अकाउंट के ओटीपी होते हैं, अगर हो सकता है उन तक पहुंच जाए तो आपकी सारी रातों रात जो जमा पूंजी है सब खत्म हो सकती है। तो ऐसे लालच में आके कुछ भी ना करें। यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसे मैसेज पे वो लोग थोड़ा सा अजमा लेते हैं कि हो सकता है मुझे भी मिल जाए, भरोसे पे काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर देते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, अगर फिल किया होगा आपको पता ही होगा, फिल करने के बाद तो लास्टली ये बोलता है, रिचार्ज पाने के लिए आपको यहाँ पे 10 या 5 ग्रुप में इसको शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब आपको यहाँ पे रिचार्ज मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप खुद बेवकूफ बनते हो और 10 लोग को खुद बेवकूफ बनाते हो। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए, ये सारे स्कैम्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर कभी भी लाइफ में ऐसा मैसेज आए तो इसको 10 बार सोच समझ के ऐसे फेल करें, क्योंकि ये सारे स्कैम्स होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।